नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों को। हम आज आपके लिए लाए हैं एक्सटूल की एनिकट KNC 91 मशीन। सो आज हम इस पे करेंगे स्विफ्ट की चाबी कॉपी करेंगे डिकोड करके, ठीक है। डिकोड करेंगे पहले इसको, फिर हम कटिंग करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। ये हमने मशीन ऑन कर ली है, एक्सेप्ट करते हैं। कट की पे जाके सिलेक्ट बाय व्हीकल मैन्युफैक्चर, ओके। यहाँ पे करेंगे सुजुकी, ये हमारा सुजुकी आ गया। यहाँ पे करेंगे हम स्विफ्ट, करेंगे स्विफ्ट, देखिए यहाँ स्विफ्ट आ गया। स्विफ्ट ढूंढेंगे, ये हमने ढूंढ लिया 12 मॉडल के बाद का। ये इसका की बैटिंग आ गई, ठीक है, प्रोफाइल आ गई, सॉरी प्रोफाइल आ गई। तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि चाबी हमें कहाँ पे रखनी है। तो चलो हम, ये हमारी आएगी आपकी 10 कट की आएगी शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ यह 10 कट की आएगी। तो चलो चाबी रखते हैं इसमें, ठीक है। चेक करते हैं टायर अच्छी तरह से, चाबी हमने कर लिया टाइट। तो यहाँ पे हमारा लर्निंग का ऑप्शन है, तो पहले हम लर्न करेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए पहले ये डिकोड करेगा, पूरी चाबी डिकोड करेगा, उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारी डिकोड हो गई, लर्निंग सक्सेसफुल हो गया। तो अब चाबी को निकालेंगे बाहर, ओके करेंगे। चलो जी, हमारी कटिंग आ गई, ठीक है। अब हम रखेंगे इसमें नॉर्मल चाबी, लेंगे एक चाबी लेके जी, ये रखेंगे हम इसको यहाँ पे। ये चाबी हमने रख दी इस पे और कर दिया टाइट, जोर अच्छी तरह से टाइट करना है, ठीक है। चाबी हिले ना, ये हिलती है ना, तो हम इसे थोड़ा ऊपर से टाइट कर लेंगे इसको थोड़ा सा। ये वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती टाइट करने की, बट फिर भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल नहीं, प्रॉपर चाबी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ऊपर नीचे कहीं साइड पे नहीं घूमेगी, हिलेगी। तो अब हम शुरू करते हैं कटिंग का काम। तो आगे इसके ऑप्शन आ गया इंटर प्रोसेसिंग, तो प्रोसेस इसको इंटर करेंगे। चलो जी देखो, ये आ गया हमारा। अब मज़ेदार चीज़ एक और देखिए, पहले डिकोड किया उसने, उसके बाद भी ये चेक करेगा चाबी हमारी प्रॉपर कि सही बैठी है कि नहीं बैठी है, ठीक है। प्रॉपर चेक करेगा डिकोड वाले से। अब उसकी कटिंग होगी हमारे कटर से इसकी, कटिंग होगी आराम से, बड़े शानदार कटिंग होगी। Thank you.
ये हम इसको कर लेंगे साफ, ठीक है। चाबी निकालेंगे बाहर, चाबी हमने निकाल ली, देखते हैं चाबी हमारी प्रॉपर बनी है। ये देखिए, अभी हम इसे चेक करेंगे पहले गाड़ी में लगा के। तो एक चीज़ याद रखना भाइयों कि ये चीज़ अपना क्लैंप है ना, ये हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चेक करते हैं। अभी हम चेक करेंगे चाबी लगा के खिड़की में, ठीक है। ये चाबी लगा दी, ओके ओके। स्टीयरिंग में लगाएंगे चाबी इग्निशन लॉक में, स्टीयरिंग में लगाएंगे चाबी इग्निशन लॉक में। ये लो जी, परफेक्टली डन।